सीतापुर के अतिक्रमणकारियों सावधान, अब वो बच नहीं पाएंगे और न ही नालियों पर किए गए अतिक्रमण को ढक पाएंगे, क्योंकि अब उनकी खबर लेने के लिए योगी सरकार के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु खुद गलियों में आगे आगे और पीछे पीछे बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। शुक्रवार को नगर विकास मंत्री नगर की गलियों में घूम घूम कर अपनी मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाते रहे। करीब 3 घंटे के अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री नगर पालिका परिषद सीतापुर की टीम के साथ विजयलक्ष्मी नगर और आर्य नगर में घूम घूम कर अतिक्रमण हटवाते रहे और अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कराते रहे। उनके निशाने पर एनसीसी रोड और विजयलक्ष्मी पार्क के पास काबिज घोसी रहे। इस दौरान नगर विकास मंत्री का शहर में गंदगी और खस्ताहाल सड़कों से भी सामना हुआ, जो कि उनकी ही सरकार के स्वच्छ शहर सुंदर शहर को आईना दिखाने का काम कर रहा था। बुलडोजर के साथ नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु का काफिला जब सब्जी मंडी पहुंचा तो कुछ दुकानदार दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, जिनके बारे में बताया गया कि दुकानदारों द्वारा नाली के ऊपर जाली डालकर कब्जा कर लिया गया था। मंत्री ने यहां दुकानदारों को केंद्रित करते हुए कहा कि ये लोग सफाई करना तो दूर रहा, ये लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मंत्री का काफिला यहीं नहीं रुका, लोहा मंडी और गोपाल घाट तथा दुर्गापुर भी गया। तामसेनगंज और विजयलक्ष्मी नगर में कुछ एक आवासों और प्रतिष्ठानों पर उनकी नजर भी गई। इन जगहों पर नाला और नालियों पर अतिक्रमण हटवाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को शहर के भ्रमण के दौरान एक ऐसी दूध डेयरी भी अवैध संचालित होती नजर आई, जिसे तत्काल हटवाने की हिदायत उन्होंने नगर पालिका परिषद प्रशासन को दी। एनसीसी रोड पर सैगल स्कूल के सामने संचालित इस दूध डेयरी की नगर पालिका की तरफ से तत्काल बुलडोजर से हटवा दिया गया। मंत्री के इस एक्शन के बाद लोग ये भी कहने लगे कि डबल इंजन की सरकार वाले मंत्री अतिक्रमण हटवा रहे हैं, या तो अच्छा है पर विकास कार्य भी तो कराएं। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को लोग होने वाले निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री का जिस विजयलक्ष्मी नगर मोहल्ले में बुलडोजर गरजा, उसी मोहल्ले में नगर पालिका परिषद चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल का आवास भी है, और इसी मोहल्ले और उसी के आसपास लोहारबाग मोहल्ले में पूर्व विधायक राकेश राठौर भी रहते हैं। फिलहाल नगर में मंत्री के एक्शन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रही। राज्य मंत्री के निर्देश पर शहर में हटवाए गए अतिक्रमण की जानकारी देते नगर पालिका के कर अधीक्षक हरीश चंद्र ने आई इंडिया को बताया, ये एनसीसी रोड पे सागर स्कूल के सामने एक डेयरी वाला बहुत दिन से खोला हुआ था। माननीय राज्य मंत्री जी पहुँचे मौके पर, उनके द्वारा कहा गया कि इसको हटा दो, उनके नेतृत्व हटवा दिया। एनसीसी रोड पे सहगल स्कूल के सामने वो डेयरी है, उसको हटवा दिया गया। और भी स्कूल कार्रवाई की, एक और है आर्य नगर में ही विजयलक्ष्मी नगर में, उसको नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, नहीं हटाएगा तो उसको हटा। आज सुबह भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, तामसेनगंज में जितने नाले हैं, नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण है, शहर में जहां भी हैं, विजयलक्ष्मी नगर में भी उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया है कि जितने नाले के ऊपर अतिक्रमण है सबको प्रचार प्रसार कराते हुए सबको एक सप्ताह का समय दे के उनको हटवा दिया गया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।